आयोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। खजनी थाना क्षेत्र में जोरों पर मिट्टी का हो रहा है अवैध खनन। जिलाधिकारी ने कहा बिना रॉयल्टी के अवैध खनन करने वालों के खिलाफ जांच कराकर मुकदमा दर्ज करके की जाएगी कार्यवाही। अवैध खनन माफिया हो जाए सतर्क। हर बुधवार पुलिस अधिकारी आपके द्वार के तहत एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने सहजनवा थाने पर लगाया पुलिस चौपाल। कहा पुलिस चौपाल में 20 थानों पर आए कुल 131 प्रार्थना पत्र, 41 मामलों का मौके पर किया गया निस्तारण, बाकी मामलों के निस्तारण के लिए अधिकारी को दिए गए हैं निर्देश। रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के नौकायन स्थित प्रेक्षागृह के सामने वाली सड़क पर स्कॉर्पियो सवार ने बाइक सवार को मारा जोरदार टक्कर। बाइक पर बैठे दो बाइक सवार हुए गंभीर रूप से घायल। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। वाहन को कब्जे में लेकर कर रही आगे की विधिक कार्यवाही। खनन पट्टा धारकों के साथ जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कलेक्ट्रेट सभागार में की बैठक। कहा अवैध खनन करने वालों पर दर्ज होगा मुकदमा, दे प्रशासन को अवैध खनन की सूचना। जल जीवन मिशन के अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में की बैठक। गुणवत्ता के साथ कार्य करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। कैंट थाना क्षेत्र के बीपीओ के साथ सीओ कैंट श्यामदेव बिंद ने की बैठक। प्रार्थना पत्रों के निस्तारण, विवाद का चिन्हीकरण सहित अन्य बिंदुओं पर की चर्चा। सीओ कैंट श्यामदेव बिंद की अध्यक्षता में कैंट थाने पर पुलिस चौपाल का किया गया आयोजन। कहा कैंट थाने पर पुलिस चौपाल में कुल आए 5 मामले, 1 मामले का मौके पर किया गया निस्तारण, बाकी 4 मामलों को निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं निर्देश। और बुधवार की दोपहर महानगर में हुआ झमाझम बारिश। आपदा विशेषज्ञ ने कहा बारिश से नहीं हुआ कहीं जान माल का नुकसान, आगे मौसम रहेगा 3 दिनों तक साफ, नहीं है बारिश की संभावना।